जी शुभ अपराह्न, स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आप सबों का उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सबों का अपने विश्वविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहाँ आज हम लोग आपके चतुर्थ समाही MHD फोर्थ सेमिस्टर के जो उपन्यास है संस्कार उपन्यास, उस पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। उस उपन्यास के संदर्भ में बात करूं तो आपके पाठ्य पुस्तक में MHD 16 नाम से मौजूद है, जिसके दूसरे ब्लॉक यानी कि खंड दूसरे पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो इस उपन्यास पे चर्चा करने के लिए आज के जो विषय विशेषज्ञ थे वो किन्हीं कारणवश, तकनीकी कारणवश हमारे साथ उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, और चूंकि आप लोगों के महीने भी कंप्लीट होने को है तो इसलिए हमें इस विषय को जितना जल्दी हो सके समेटने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी प्रयास में चूंकि उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया है, मैंने तैयारी भी कर रखी है कि उस उपन्यास पर मैं ही चर्चा करूंगा, और इस चर्चा में आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे, मन में जो भी दुविधा होंगी, आप मेरे व्याख्यान के बाद अपने चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके प्रस्तुत कीजिएगा, या आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत आए, कुछ दुविधा है, ना समझ में आए तो वो भी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके, बीच में अपने माइक को अनम्यूट ना कीजिएगा व्याख्यान के द्वारा, और स्क्रीन को शेयर ना कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संस्कार उपन्यास पे। तो मैं संस्कार उपन्यास पे चर्चा करूंगा, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक जिस उपन्यास का मुख्य नाम है संस्कार, उस पे थोड़ी बहुत एक चर्चा कर लेते हैं, एक भूमिका बांध देते हैं, उसके उपरांत फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब आप और हम संस्कार की बात करते हैं, जब मैं आपके समक्ष एक शब्द रखता हूँ संस्कार, तो आपके या मेरे मानस में, हमारे दिमाग में क्या एक चीज आती है? अगर मैं सीधा सीधा कुछ नहीं कर संस्कार शब्द कहूँ, संस्कार शब्द से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं, तो आपको दिमाग में ये आएगा कि संस्कार, अच्छा सा संस्कार तो वो चीज है जो हम घर में सीखते हैं, या बड़ों का आदर करना, ये एक छोटा छोटा मोटा मोटी दिमाग में यही चीज आएगा। संस्कार यानी कि बड़ों का आदर देना, छोटों को स्नेह करना, अपनी मर्यादा में रहना, किसी के साथ ऊंची आवाज में चर्चना, ये मुख्य रूप से ये सब चीजें आ जाती है। या थोड़ा सा जो अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो आप हल्का फुल्का गूगल कर लें या विकिपीडिया कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये एक चीज आ जाएगी संस्कार को लेकर, क्योंकि संस्कार का जो शब्द है वो मूल अर्थ है शुद्धिकरण, ये जो डेफिनेशन है विकिपीडिया की या किताबों की जो है। लेकिन जब हम बात करते हैं मुख्य रूप से संस्कार की, या संस्कार क्या है, तो संस्कार का सीधा साधा एक अर्थ यह हमारे या आपके मन में यह आना चाहिए कि संस्कार मुख्य रूप से उन धार्मिक कृतियों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को सिखाए जाते थे। ये सिखाना किन्हीं भी द्वारा हो सकता है, आपके जो शुरुआती दिनों में घर के माता पिता उनके द्वारा, आप अपने किताबों के द्वारा सीखते हैं, या अपने आचरण द्वारा सीखते हैं, अपने बड़ों द्वारा जो सीखते हैं, जिससे आप अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को मुख्य रूप से पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। सीखने का माध्यम भले अलग अलग हो, तो ये मोटा माटी जो एक संस्कार का अगर हम लोग कहें सीधा साधा अर्थ है। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस उपन्यास पे हम लोग चर्चा करते हैं, इस उपन्यास के बारे में चर्चा करते हैं, किन्होंने लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, क्योंकि आप और हम लोगों ने, बहुत लोगों ने यह देखा होगा कि जो संस्कार उपन्यास है मुख्य रूप से हिंदी का नहीं है, ये मुख्य रूप से मलयालम कन्नड़ का एक उपन्यास है जिसका अनुवाद हुआ था हिंदी में, और उसे आप और आज हम लोग यहाँ मिल करके पढ़ रहे हैं। तो मैं संस्कार उपन्यास से जाऊं, इससे पहले मैं चर्चा कर दूं जो इसका उपन्यासकार है उनके संदर्भ में, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि हिंदी में कहावत है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में, कि किसी भी उपन्यास को समझने के लिए उसके रचयिता को जानना, समझना आवश्यक हो जाता है। वह इसलिए आवश्यक हो जाता है कि साहित्य में कुछ भी लिखा जाता है वह कभी भी निस्वार्थ या निश्चल भाव से नहीं लिखा जाता है, उसके लिखने के पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, और वो कारण मुख्य रूप से उपन्यासकार से संबंधित रहते हैं, क्योंकि किसी भी रचना उपन्यासकार या रचनाकार के द्वारा होती है, और उसके मन मस्तिष्क में, उसके समाज में जो कुछ भी घटित हुआ होता है उसी से कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं को लेकर के जीवन में कभी ना कभी उन चीजों से प्रभावित हुआ होता है, और उसे हुआ अपने साहित्य में ला करके स्थान देता है। जैसे कि सादा सादा उदाहरण हम लोग देख ले तो प्रेमचंद, जो हिंदी के सबसे बड़े रचनाकार, कथाकार, उपन्यासकार हुए, प्रेमचंद को देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी रचना को जब हम देखते हैं तो उस दौर में स्वाधीनता का दौर था, स्वाधीनता संग्राम चल रहे थे, कोई ना कोई घटना से वो प्रेरित हुए और वो घटना उनके उपन्यास में दिखी, भले अलग रूप में दिखी, लेकिन उसका कहीं ना कोई एक सीधा वो जाकर के सीधे सीधे उस घटना से जुड़ता था। तो जब हम बात करते हैं
संस्कार उपन्यास के। तो संस्कार उपन्यास मुख्य रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉक्टर उडुपी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति ने लिखा है। तो अनंत मूर्ति का नाम सिर्फ कन्नड़ साहित्य ही नहीं, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि मलयालम और कन्नड़ में बहुत बड़ा नाम है अनंत मूर्ति जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ साहित्य ही नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय साहित्य की भी हम बात करते हैं तो वहां के बहुत सशक्त लेखक है। सशक्त लेखक कहने का संदर्भ इसलिए कि उनको इन रचना के लिए, संस्कार रचना के लिए, संस्कार उपन्यास लिखने के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसे आप और हम जानते ही होंगे हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार जो है उनसे उन्हें नवाजा गया था सिर्फ और सिर्फ उनकी इसी कृति के लिए। तो आप और हम समझ सकते हैं कि यह कृति कितनी बेहतरीन कृति है, जिस कारण की एक लेखक, सामान्य सा लेखक, उनकी अगर उनके बारे में जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो वो कोई बड़े घराने में जन्म नहीं लिए थे। सन 1932 में कर्नाटक के शिमोगा जिले के तहत मेलिगा नामक गांव में जन्मे डॉक्टर अनंत मूर्ति कुल संस्कार से पारंपरिक ब्राह्मण होते हुए भी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से पूरी तरह आधुनिकतावादी थे। अब यहाँ पे यह कहने का एक अर्थ है, जब मैं ये चीज कहता हूँ आपके सामने, ये पंक्ति जब मैं पढ़ता हूँ कि पारंपरिक ब्राह्मण होते हुए भी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व में पूरी तरह आधुनिकतावादी थे, यह कहने का पीछे का उद्देश्य यह था कि जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं आधुनिकतावादी, जब छायावाद के बाद की, जो उत्तर छायावाद के बाद जो शुरू होती है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के नाम से जो दौर शुरू होता है, तो दौर में मुख्य रूप से एक ट्रेंड, अगर मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ, एक ट्रेंड टाइप का ये चल चुका था कि जो समाज है वह जाति प्रथा तो नहीं, लेकिन समाज जो उस समय का जो नया उभरता समाज, जो साहित्य जो जन्म ले रहा था, जो पाश्चात्य परंपरा से ओत प्रोत था, पाश्चात्य धारा से जिसकी जन्मभूमि थी, वहां से जन्म के वो भारत पहुंची अलग अलग रूप में, तो वह जो था वह कई सारे स्तरों में समाज की बनाए मान्यताओं का खंडन कर रहा था। मैं इसका कभी पक्षधर नहीं हूँ, खंडन करना बुरी बात है, लेकिन समाज में जब आप कुरीतियां होती हैं उसका जब आप खंडन करते हैं तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जब समाज के कई जो नियम कानून से किसी के आस्था को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं अपनी लेखनी द्वारा, ये इसे कहते हैं कि यह इसका ढोंग है, तो यह अपने आप में कहीं ना कहीं आपके लेखनी द्वारा उनके भावनाओं को आप आहत करते हैं। जैसा मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, जैसा मैं अपनी उदाहरण देता हूँ कि मैं एक सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, अगर कोई साहित्यकार आकर के लिखता है यह कहे कि सनातन परंपरा ढोंग है, ठीक है उसके नजर में वो ढोंग हो सकता है, मैं उसके पूरे तरह से नहीं उसकी बातों को काटूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे आस्था से जुड़ी हुई है, मेरे आस्था पर ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पे यह कहने का अर्थ यह है कि उस दौर में, जिस समय 1932 के बाद, यह जब छायावाद, 1932 में जन्म हुआ था अनंत मूर्ति का, छायावाद का हम लोग समय सीमा देखते हैं 40-42 तक की समय सीमा रही, उसके बाद उत्तर छायावाद और धीरे धीरे आधुनिकतावाद जो आने शुरू हुआ थे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता शुरू होते, तो इसलिए ये शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है यहाँ पे कि वो ब्राह्मण होते हुए अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से पूरी तरह आधुनिकतावादी थे। यानी कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का अर्थ यह होता है कि अच्छा वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ के संदर्भ में होंगे या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन नहीं, उनके कृतित्व में जब मैं बात करता हूँ इस संस्कार उपन्यास के लेखक डॉक्टर अनंत मूर्ति जी का, तो उनके लेखन में जो है आधुनिकतावादी बहुत ज्यादा झलका होता है। यह नहीं कि मैं ब्राह्मण या सनातन परिवार का हूं तो मेरी जो रचनाएं होंगी वो किन्हीं बंधनों में बंध के रहेगी, मैं इन पर ठेस नहीं करूंगा या इनके ऊपर नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं था, वो निडर रूप में लिखते थे, आधुनिकतावादी रूप में लिखते थे। ये बहुत अच्छी बात है उस दौर की साहित्य में। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तो शैशव काल से ही संस्कृत में दीक्षा लेने के बावजूद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी साहित्य का विषय चुना, या डॉक्टर अनंत मूर्ति के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि शैशव काल में ही संस्कृत में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी साहित्य का अपना विषय चुना, मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर, जैसे आप और हम आज पीजी के संदर्भ में जानते हैं, स्नातकोत्तर करने के बाद वो राष्ट्र कुल फेलोशिप पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक मालकम ब्रैडबरी तथा रिचर्ड हॉगर्थ के मार्गदर्शन में इंग्लैंड में 1930 के दशक में लिखे गए राजनैतिक उपन्यासों पर अपना शोध कार्य पूरा किया। डॉक्टर अनंत मूर्ति ने अपनी आजीविका मैसूर विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पर शुरू की और फिर उसे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी बनाया गया आगे चल के। बाद में उन्होंने केरल के कोट्टायम स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो आप और हम लोग जानते हैं बहुत प्रख्यात विश्वविद्यालय है, केरल विश्वविद्यालय के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं,
यह ध्यान देने वाली बात है, आप लोग लिख भी सकते हैं क्योंकि नेट की परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न बहुत कुछ आते हैं। तो वो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कुलपति, इसके बाद फिर वो दिल्ली स्थित नेशनल बुक ट्रस्ट, तो बहुत सारे आप और हम किताब वगैरह पढ़ते हैं एनबीटी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एनबीटी के प्रकाशन जो रही नेशनल बुक ट्रस्ट उसके साहित्य, उसके भी अगर नेशनल बुक ट्रस्ट की मैं बात करूँ तो नेशनल बुक ट्रस्ट के मेंबर रहे, साहित्य अकादमी जैसी संस्थान जो साहित्य के क्षेत्र में इतना आदान प्रदान लिखना पढ़ने का काम करती है, उसके जैसे अध्यक्ष के पद पर रहे और आगे चल करके साहित्य के शिक्षण में अपना विशेष योगदान दिया। इस बीच उन्होंने अपनी सेवाओं का लाभ इंग्लैंड तथा अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों को भी दिया, जहां उन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर उनकी ख्याति हुई है। जब मैं उनकी बात करता हूँ साहित्य के तौर में, इस बात में आज की चर्चा में जब मैं हिंदी साहित्य में उनकी बात करता हूँ या कन्नड़ साहित्य में जब उनकी बात की चर्चा करता हूँ, तो डॉक्टर आर अनंत मूर्ति के फेलोशिप के दौरान इंग्लैंड में रहते हुए पूरा किया, उनके साथ ही उनकी कलम ने भारतीय साहित्य को भारतीपुर जो 1973 में प्रकाशित हुई, अवस्था जो 1978 में प्रकाशित हुई, भाव जो 1997 में प्रकाशित हुआ, दिव्य 2001 में प्रकाशित हुई, जैसी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियों भी भेंट में दी। संस्कार का अनुवाद तो अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावा मलयालम, बंगला, मराठी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, बुल्गेरिया और स्पेनिश में हो चुकी थी। भारत और अवस्था भी दिल्ली में उपलब्ध थी। उनकी कहानियां प्रश्न 1962 के अलावा उनकी बहुत सारी मौनी कहानी है, आकाश मुक्तु कहानी है, इस तरह बहुत सारी कहानियां भी लिखी उपन्यास लिखने के साथ, लेकिन मुख्य रूप से जो उनके संस्कार उपन्यास थे, संस्कार उपन्यास में सबसे ज्यादा ख्याति पाई, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। और संस्कार उपन्यास के बारे में एक रोचक बात यह है कि संस्कार उपन्यास अनंत मूर्ति जी का पहला उपन्यास था, मतलब समझ सकते हैं हमने पहले उपन्यास के लिए किसी उपन्यासकार को अगर ज्ञानपीठ जैसा सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हो तो वो उनकी लेखनी किस स्तर की रहेगी आप हम समझ सकते हैं। और उनके बात करूं तो उनकी पहली कहानी संग्रह के बाद 1965 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित होता है। यह उपन्यास उनके छात्र जीवन में लिखा गया था, जब वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश यानी कि इंग्लैंड में जब थे तब यह उपन्यास लिखा गया था। तब अपने बचपन की बीती घटनाओं के आधार पर अपने अग्रहार की सांप्रदायिकता को उन्होंने अपने संस्कार उपन्यास में व्यक्त किया। अनंत मूर्ति ने प्रस्तुत उपन्यास में यानी कि इस उपन्यास में संस्कार उपन्यास में अग्रहार की सांप्रदायिकता, वहां के जीवन मूल्य, परिवेश की जड़ता, वहां के चारित्रिक विशेषताएं आदि के अलावा वहां के खोखलेपन को भी व्यक्त किया। देखिए यह कहने का संदर्भ खोखलेपन की जब हम बात करते हैं, आप और हम किन्हीं ना किन्हीं समाज में रहते हैं और समाज जो है वो एक व्यक्ति से निर्मित नहीं होता, समाज के निर्माण में बहुत सारे पक्ष रहते हैं, लेकिन हम आप और हम जानते हैं कि जब हम किसी समाज में रहते हैं तो समाज के कुछ नियम भी रहते हैं, वो नियम एक तरह से अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ नियम बुरे भी होते हैं, और उन बुरे नियमों को दूर करना, उन बुरे नियमों का प्रहार करना, उससे अपनी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से दूर करना, ये आपका हमारा पक्ष बनता है। तो यहाँ भी जब ये बात कही गई कि वहां के खोखलेपन को व्यक्त किया उनके इस साहित्य ने, संस्कार उपन्यास ने, तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह था कि वे इस उपन्यास के जब आप कथा वस्तु पे जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जद्दू ये अनंत मूर्ति जी, सॉरी मैं जद्दू कृष्णमूर्ति का नाम ले रहा हूँ, अनंत मूर्ति जी जब ये उपन्यास लिखते हैं, इस उपन्यास में मुख्य रूप से उनके जो बाल्य अवस्था में, उन्होंने शुरुआती दिनों में, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्मा छोटा सा ही बालक, जब अपने आसपास के परिवेश को देखता है, क्योंकि 1932 की जब हम बात करते हैं जब उनका जन्म हुआ तो भारत को इतना ज्यादा समृद्ध नहीं हुआ था, आज के भी हम देश को, आज के भारत को देखते हैं तो आपको बहुत सारी कुरीतियां आज के समय में दिखाई देती हैं। तो लगभग आज से 70-80 साल पहले की जब हम बात करते हैं तब आप समझ सकते हैं कि उस दौर में भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। ब्राह्मण परिवार का लड़का वो अपने आसपास में यह देखता है कि किस तरह से दूसरे जाति वालों से किस तरह से व्यवहार किया जाता है, समाज उनके प्रति क्या नजरिया रखती है, किस दृष्टिकोण से रखती है, छुआछूत भेदभाव वाली, उसके बाद एक पुरुष प्रधान समाज, तो ये सारी चीजें उस बाल्य अवस्था में उनके मन में गढ़ कर गई थी। लेकिन अपने जब वो पढ़ाई के दौरान जब वो विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, उन्हें लिखने का मौका मिलता है, तो वो इन सभी समाज के कुरीतियों को अपने इस उपन्यास के माध्यम से यहाँ आप सबके समक्ष, हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इसीलिए यह उपन्यास इतना प्रसिद्ध उपन्यास हुआ कि कन्नड़ भाषा में लिखने के बाद भी इस उपन्यास को हिंदी में अनुवादित किया जाता है, और हिंदी में अनुवादित होने के बाद इस उपन्यास को ज्ञानपीठ जैसा महानतम पुरस्कार से नवाजा जाता है। बात जब हम करते हैं कथा वस्तु की, आगे बढ़ते हैं कथा वस्तु पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कथा वस्तु पर जब हम चर्चा कर लेते हैं तो हमारी एक समझ
बन जाती है कि इस उपन्यास किसके इर्द गिर्द लिखी गई थी, क्या इसकी उपन्यास की मुख्य कथा वस्तु रही है, तो उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जब संस्कार उपन्यास मुख्य रूप से 3 भागों में विस्तृत है, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो उसे लिख भी सकते हैं। जब हम संस्कार उपन्यास की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में विस्तृत है। प्रथम भाग में 10 अध्याय हैं, द्वितीय भाग में 6 अध्याय हैं, 6, तीसरे भाग में 2 अध्याय हैं। इस तरह कथा विकसित होकर समाप्ति पाती है, यानी कि ये चरण व चरण तरीके से ये उपन्यास धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आप लोगों ने किन्हीं ने इस उपन्यास को पढ़ा होगा, तो मुझे जहां तक ज्ञात है आप लोगों ने एक इसकी पेपर हार्ड कवर बाइंडिंग नहीं पेपर बाइंडिंग पढ़ी होगी, जहां पे इस उपन्यास को लगातार लिखा गया है, भागों खंडों में विभाजित नहीं किया गया। लेकिन जब इसकी मूल कृति प्रति को उठा करके पढ़ते हैं, इस उपन्यास की मूल कृति को उठा करके पढ़ते हैं हार्ड बाइंडिंग में, तो आपको पता चलेगा उपन्यास मुख्य रूप से 3 खंडों में 3 भागों में विस्तृत है, जहाँ पे हर भाग में कुछ कुछ अध्याय है वगैरह है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस उपन्यास की कथा वस्तु की। तो सन 1966 से अब तक यह उपन्यास 8 आवृत्तियों में, यानी कि संकलन में, 8 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। देशी और विदेशी भाषा में भी उपन्यास अनुदित हो चुकी है, मैंने पहले ही आपको बताया था। इस उपन्यास की मूल क्या है, तो अगर मैं बात करूं मूल में इस उपन्यास का, है तो फल की इच्छा न रखते हुए कर्म मार्ग पर चलने वाले प्राणोशाचार्य, ये यहाँ के इस उपन्यास के एक बहुत ही प्रमुख पक्ष है, एक बहुत ही प्रमुख, एक मैं कहूँ नायक के तौर पर, ये नाम याद रखिएगा, प्राणेशाचार्य। प्राणेशाचार्य जो इस उपन्यास के एक नायक के तौर पर हैं, ये कोई शब्द नहीं है, ये इस उपन्यास के एक पात्र हैं प्राणेशाचार्य। तो इस उपन्यास की जो मूल है वो फल की इच्छा न रखते हुए कर्म मार्ग पर चलने वाले प्राणेशाचार्य दुर्वासपुर आग्रहर का पुरोहित है। दुर्वासपुर इस उपन्यास का गांव है, जिसके इर्द गिर्द इसकी पूरी भूमि, पूरी रेखा जो घूमती है, तो यह गांव है दुर्वासपुर। तो दुर्वासपुर अग्रहार का पुरोहित है, पुरोहित जैसा आप और हम समझते हैं, पुरोहित है। हमारे आपके संस्कृत में किन्हें कहा जाता है, जो वो वेदों का ज्ञान रखने वाले, पूजा पाठ करने वाले, साधारण शब्द में से पंडित कहा जाता है, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर पुरोहित शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद उपनिषदों पुराणों का उसने अध्ययन किया, वह उसी पर जीवन यापन किया करता था। अग्रहार वालों को उपदेश करते हुए उनके सुख दुख में भाग लिया करते थे। भागीरथी चाहती है, यहाँ पे और एक पात्र आते हैं, पात्र वगैरह के बारे में चर्चा करूंगा, पहले आप लोग कहानी समझ लीजिए, उसके ऊपर पर पात्रों पे चर्चा करूंगा कौन क्या पात्र है। तो भागीरथी एक दूसरी पात्र है जो चाहती है कि प्राणेशाचार्य किसी योग्य लड़की से ब्याह कर ले, किसी योग्य लड़की को देख करके वो ब्याह कर ले। लेकिन प्राणेशाचार्य को यह स्वीकार नहीं, प्राणेशाचार्य के जीवन के साथ एक ही लिया था, प्राणेशाचार्य के जीवन के साथ मतलब उन्होंने जीवन में एक ही एक तरह से प्रॉमिस लिया था अपने जीवन को लेकर के, कि मैं विवाह नहीं करूंगा। जब मैं इसको गहराई से पढ़ते हैं, अग्रहवालों के लिए आदर के साथ प्रीति पात्र बना था, वो अपने कार्य के प्रति मतलब अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे, इसलिए लोगों को, गांव के लोगों के, जो भी उन्हें जिनके लिए वो वेद उपनिषदों पूजा पाठ का काम करता, उनके बहुत ही प्रीति पात्र थे, यानी गांव में उनकी बहुत अच्छी इज्जत थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे गाँव में माने जाने रहते, ये बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे पंडित हैं, पुरोहित हैं, इसके लिए पूरे गांव में जो थी उनको बहुत ही प्रीति पात्र थे, यानी कि लोग उन्हें माना करते थे, अच्छा मानते थे। इसी अग्रहार में नारणप्पा नाम एक और व्यक्ति रहता था, यह भी एक पात्र, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो नारणप्पा, प्रेणाचार्य और भागीरथी इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, यह 3 इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, जिनके इर्द गिर्द यह पूरा का पूरा उपन्यास केंद्रित है। तो यह 3 नाम याद रखिएगा। तो इसमें अब तीसरा एक कैरेक्टर आपको सुनने को मिलेगा। इसी अग्रहार में नारप्पन नामक एक और व्यक्ति रहता था, वह व्यक्ति प्राणेशचार्य के विपरीत गुण वाला था, यानी कि जब हम प्राणेशचार्य को देखते हैं, वो पुरोहित हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वो सनातन धर्म का पालन करते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते हैं, उससे दूर रहते हैं, अपने इष्ट के प्रति हमेशा साधना में लीन रहते हैं। जहाँ उन्हें भागीरथी कहती है तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते, तुम विवाह कर लो, वो कहते हैं नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, मैंने जीवन में एक प्रण लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो विवाह नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा जो पात्र आपको देखने को मिलता है नारायणप्पा, वह जो व्यक्ति है वह प्राणेश्वर के पूरा विपरीत है, मतलब प्राणेश्वर की जो भी गुण थे उसके पूरा विपरीत है। वह मांस और मदिरा का पान करने वाला है, नारायणप्पा तुर्को
का मित्र था तुर्को, यानी कि उस दौर में हम देखते हैं भारत उस समय तो स्वाधीन नहीं हुआ था, तो उस समय जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही नहीं बहुत सारे लोगों का आना जाना था। अब इतिहास जब देखते हैं तो तुर्कों का कहने का संदर्भ यह है कि जो मांसाहारी भोजन करने वाले जो लोग थे उनसे उनकी उसकी मित्रता बहुत अच्छी थी, और साथ ही साथ वह वेश्याओं के संग में रहता था। नरप्पा जो है वो प्रेनाश्रय के लिए मात्र अग्रहार के लोगों के लिए समस्या बना हुआ था, यानी कि जब हम बात करते हैं नारायणप्पा की तो वह जो है वो भोग विलास में व्यस्त रहने वाला था, उसे किसी से मतलब नहीं था, वो तुर्कों के साथ में मित्रता रखता था, वो वेश्याओं के संग में रहता था, वो मांस मदिराओं का सेवन करता था, यानी कि जो हम जब प्रेनाश्चार्य की बात करते हैं तो उसके पूरे विपरीत गुण उसमें थे, और उसके इन गुणों के कारण सिर्फ और सिर्फ प्रेनाश्चार्य ने ही पूरा का पूरा अग्रहार यानी कि पूरा का पूरा गांव का समाज जो था उसके लिए वो समस्या बना हुआ था। ब्राह्मणत्व के आधार पर जीने वाले ब्राह्मणों को प्रश्न किया करता था, यानी कि जो भी ब्राह्मण उसके समक्ष आ जाते थे नारायणप्पा के समक्ष उनसे वह प्रश्न करने लगता था, उनके उनके जो संदेश है उसे झूठ बताने लगता था, प्रेमाचार से उसके झूठे उपदेश खोखले जीवन को लेकर के प्रश्न किया करता था। आप शब और कामाख्यानों से पूर्ण पुराणों का पाठ करते हैं किंतु उपदेश देते हैं कि नीरस जीवन जीने का, नारायणप्पा ब्राह्मणों को चेतावनी दिया करता था कि बहिष्कार करके तो देखो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, चेतावनी तथा धमकी देने वाले नारायणप्पा से आग्रह वाले सभी डरते थे उसकी धमकियों से, इस कारण सब डरते थे कि उसके ये लोगों को ये लगता था कि ये तो बेतुकी बातें कर रहा है। लेकिन लेकिन मैं एक शब्द यहाँ पे प्रयोग करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जानते थे कि समाज के कुछ, मैं सब नहीं कहूंगा, कुछ वर्ग ऐसा था जो सही में ढोंग करता था अपने जाति प्रथा को लेकर के, अपने कुल को लेकर के, अपने समाज में बड़े होने को लेकर के ढोंग क्या करते थे। तो यह जब नारप्पा की जब बात करते हैं नारायणप्पा, तो जब वो बहुत इन तरह के संदेश देता था, जब ब्राह्मणों को वो अपनी कुरीतियों या तर्कों के आधार पर चुप करा देता था, तो बहुत सारे लोग डरते इस वजह से भी थे क्योंकि जानते थे कहीं ना कहीं हम गलत हैं। मैं यह नहीं कहूंगा यहाँ पे, कभी मैं यह नहीं कहूंगा कि नारायणप्पा पूरी तरह से सही था या नारायणप्पा पूरी तरह से गलत था, लेकिन उसकी कुछ बातें सही थी, इस वजह से गांव वाले जो है उससे डरते थे। संस्कार उपन्यास नारायणप्पा की मृत्यु के समाचार से प्रारंभ होता है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको इस उपन्यास हल्का फुल्का फ्लैशबैक से लेता हुआ आपको फिर हकीकत में लेकर के आएगा। तो इस उपन्यास से शुरुआत होता है तो नारायणप्पा की मृत्यु का समाचार से प्रारंभ होता है। जब वो जीवित था तब एक समस्या बना था, मरने पर एक और समस्या बनकर आग्रह वालों को दिखाई पड़ता, यानी कि जब वो जीवित था तो समस्या यह थी कि वह तर्क करता था ब्राह्मणों से, उनसे ये कहता था कि मैं जो भी करूं मांस मच्छी खाऊं, वेश्याओं के साथ रहूं, मदिरा सेवन करूं, किंतु आप लोग मुझे अपने समाज से नहीं निकाल सकते, तुम जिस समाज में हो जिस ब्राह्मण समाज में हो तो सिर्फ ढोंग करता है, उसको कुछ आता नहीं है, बस खाली मूर्खों को बैठा करके वो जो कुछ भी वाचन कर देते हैं और तुम मूर्ख भी हाँ उसे बहुत ज्ञानी मान लेते हो। तो यह तो वो करता था, लेकिन यह तो जब वो जीवित था तो इसलिए वो गांव वालों के लिए समस्या बना था, मरने के उपरांत फिर वो गांव वालों के लिए कैसे समस्या बन जाता है वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। वह जीवित था तो एक समस्या बना था, मरने के बाद भी एक समस्या बनकर लोगों के सामने रह गया। जीवन भर ब्राह्मणत्व का धिक्कार करने वाला नारायणप्पा का स्व संस्कार करना चाहिए या नहीं, अगर करना हो तो कौन करे, क्या वह ब्राह्मण है, ऐसा कई प्रश्न उसके मृत्यु के बाद खड़े हो जाते हैं। किसी प्रकार इन प्रश्नों को उत्तर में प्रेनाचार्य को नहीं मिलता तो इससे वह शव संस्कार का प्रश्न वहीं रहकर पहली समस्या एक और रूप धारण कर लेती है। सभी की आंखें गहनों को पढ़ के उसके पाने के लालच में शव संस्कार विषय वहीं पर रह जाता है, यानी कि जब वो जीवित रहता है तो वो तो जो समाज रहता है जो गांव वाले रहता है उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ के विभिन्न विभिन्न प्रकार के बातें कर करके इन सब चीजों से तो गांव वालों को एक तरह से वो हल्का फुल्का डराता भी है, लेकिन मरने के बाद यह प्रश्न शुरू हो जाता है कि उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए कि नहीं, अगर अंतिम संस्कार करना चाहिए तो कौन करे, क्योंकि वो किस जाति का है वो किसी को पता नहीं। लेकिन वह अगर मैं कहूँ तो वह आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा धनी था, बहुत ज्यादा सक्षम था, तो यह तो एक पहली प्रश्न बन जाती है, उसका अंतिम संस्कार करे कि ना करे, करे तो किस धर्म में करें क्योंकि उसके धर्म का कोई जाति है, और करे तो कौन करे क्योंकि जो आप और हम जिस समाज में रहते हैं जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहां पर जब अंतिम संस्कार होता है तो परिवार वाले आकर के करते हैं, उसका कोई परिवार नहीं रहता है,
यह समस्या आती कि कौन करेगा, उसका अंतिम संस्कार भी करना है तो कौन करे। फिर वो प्रश्न जो है वो प्रश्न अंधेरे में चले जाता है। अब सामने यह प्रश्न रहता है क्योंकि वो अच्छा धनी परिवार से, उसके पास संपत्ति अच्छी है, तो उसके ये जो सोने गहने हैं नारायणप्पा की, ये कौन ले, यह एक प्रश्न तब शुरू हो जाता है। यानी कि पहला प्रश्न वो रहता है कि अंतिम संस्कार कौन करे, दूसरा उसके मरने के बाद और एक प्रश्न शुरू हो जाता है कि अच्छा इसके जो भी धन उन है, जेवर जेवरात सोने चांदी है, इसे कौन ले। तो यह एक नया प्रकार का विधान शुरू हो जाता है, विधान नहीं, एक नया प्रकार का कोलाहल शुरू हो जाता है। जो पहली विषय है उसे तो सब कुछ छोड़ देते हैं और संस्कार का विषय वहीं पर रह जाता है। संस्कार यहीं से पड़ा है, इस उपन्यास का नाम संस्कार यहीं से पड़ा है कि संस्कार विषय वहीं पर रह जाता है। यानी कि वो समाज जिसमें मैं आपसे शुरुआत में चर्चा कर रहा था, एक समाज है जहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि प्राणेश्चार्य जो है पूरे गांव में घूम के वाचन पूजन का कार्य करता है। गांव वाले भी बहुत खुश रहते हैं कि अच्छा ये गांव में है, ये पाजन पूजन वगैरह करता है और धर्म को मानता है, शास्त्र को मानता है, हमें उपदेश देता है। वहां पे तो समाज सही है, लेकिन वही समाज का संस्कार आपको तब देखने को मिलता है, उस समाज का असल संस्कार, जब नारायणप्पा की मृत्यु होती है। और नारायणप्पा की मृत्यु के पश्चात प्रश्न ये उठता है कि उसका अंतिम संस्कार कौन करे, और अंतिम संस्कार भी फिर अंधेरे में चल जाता है जब उसके सोने चांदी को लोगों का मन आता है। तो यहाँ पे जो समाज की जो खोखली जो मान्यता है, जो संस्कार है, जिसे आप और हम लोग कहते हैं कि परिवार से मिला है, कोई परिवार या कोई बड़े बुजुर्ग अपने परिवार को, अपने छोटों को यह शिक्षा नहीं देंगे कि आपके सामने कोई मृत पड़ा रहे और आप जाकर के उसके हीरे जवाहरात या सोने चांदी है उस पर नजर रखा। तो यहीं से इस उपन्यास का नाम संस्कार पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो उपाय न पाकर के अग्रहार के लोग पारिजातपुर चले जाते हैं। पारिजातपुर उनके निकट में, ये जब हम बात करते हैं इस उपन्यास के पृष्ठभूमि के, तो यहाँ पे और एक गाँव है उसका नाम है पारिजातपुर चले जाते हैं। जब तक संस्कार का विधि विधान पूर्ण न होगा तब तक भेजना, तब तक भोजन आदि भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप और हम जानते हैं कि हमारे समाज में चलता है कि जो सब तक संस्कार का पूजन या संस्कार के कारण हो जाए तो भोजन वोजन नहीं बनता, चूल्हे नहीं जलते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। मुख्य रूप से जो ब्राह्मण समाज है उसके ऊपर इन्होंने व्यंग करते हुए यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति इस उपन्यास में रखने का उन्होंने प्रयास किया है। तो उपाय न पाकर अग्रहार के लोग पारिजातपुर चले जाते हैं। जब तक संस्कार का विधि विधान पूर्ण न होगा तब तक भोजन आदि भी नहीं होगा। इस निर्णय से बूढ़े और बुजुर्ग लोग भूखे और प्यासे रहते हैं। बच्चों के लिए यह नियम लागू नहीं होता, इससे छूट पाकर वे भोजन करने लगते हैं। प्लेग के कारण मरने वाले चूहों को चीखते और चिल्लाते हुए देखकर भयभीत हो जाते हैं। इस उपन्यास में जब पढ़ेंगे तो उस दौर में एक समस्या चली थी जो आप लोग अगर कभी गूगल करें तो पता चलेगा। आज कोरोना महामारी का दौर है, एक दौर हुआ था जब प्लेग महामारी के रूप में देश होने पूरे दुनिया में फैली हुई थी, तो उसे भी यहाँ पर रेखांकित करने का एक प्रयास लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रेरणाचार्य संस्कार के विधि विधान के लिए कई धर्म शास्त्रों को खोज कर हार जाता है। यानी कि प्रेरणाचार्य के ऊपर यह बात आती है ना कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, आप समाज के कितने बड़े पुरोहित हो। अब आप बताओ कि इसका ये जो आप बताओ कि इसका जो है अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए तो किस शास्त्र किस धर्म के आधार पर किया जाए। तो इसके लिए प्रेरणाचार्य क्या करते हैं, वो बहुत सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन किए रहते हैं, वो बहुत ज्ञानी रहते हैं, उन्हें कहा जाता है ढूंढो, तो खोज खोज कर थक जाते हैं। उन्हें उपाय नहीं मिलता है कि अच्छा किस जाति पे या किस आधार पर इनका ये अंतिम संस्कार हो। अग्रहार के लोग संस्कार का कार्य प्रेरणाचार्य पर ही छोड़ देते हैं। इससे चिंतित होकर प्रेरणाचार्य हनुमान मंदिर जाकर के स्तुति भजन ध्यान प्रार्थना करना शुरू कर देता है, पर कोई उपाय प्राप्त नहीं कर पाता। बीमार पत्नी की याद आकर उसको दवा देने के लिए अंधेरी रात में ही मारुति मारुति नामस्मरण करता हुआ घर जाता है। आचार्य की ध्वनि सुनकर चंद्री के मन में उनके लिए उठने वाले आचार्य के प्रति करुणा भाव जागृत होता है। अभिवादन करने के लिए वो झुकती है तो फिसल कर आचार्य के बाहों में गिर जाती है। ऐसे बाहुबंधन से प्रेरणाचार्य को एक नया अनुभव प्राप्त होता है। भूखा और प्यास से पीड़ित प्रेरणाचार्य जब माँ कहकर तुतलाने पर चंद्री अपनी गोद से केला निकाल कर खिलाती है, प्रेरणाचार्य को बाहों से कसकर वो जमीन पर लेट जाती है। प्रेरणाचार्य हतप्रभ इस घटना से विमुख नहीं हो पाता, अब तक अपने सुरक्षित आचरण को कुछ और क्षणों में गवा बैठता है। इस घटना के बाद प्रेरणाचार्य अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है। अग्रहार वालों से संस्कार के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय न बताकर कह देता है कि मारुति से
उत्तर नहीं मिला मारुति, यानी कि वो हनुमान मंदिर में जहाँ पर बैठे रहते हैं, तो उससे कहता है कि मारुति से कोई उत्तर नहीं मिला। अग्रह वाले श्रीमठ जाने को सलाह पाने पर निर्णय लेते हैं, शव संस्कार के लिए खड़ी चंद्री का कोई उत्तर न मिलने पर वह शेषनपा के संस्कार के लिए विनती करती है। इस इनकार करने पर चंद्री अहमद बिहारी के यहाँ जाकर शव संस्कार करने का निवेदन करती है। यानी कि पूरी की पूरी घटना देखिए, उसके मरने के बाद शुरू कहाँ से होती है, किस धर्म में उसकी हम लोग करें, उसके बाद फिर यह होता है कि इसका जो उत्तर है वह हमारे समक्ष प्रेणाचार्य देंगे। प्रेणाचार्य उत्तर देने के लिए तो उसे फिर उठा करके गांव, दूसरे गांव लाया जाता है। वहां यह सोचा जाता है कि इसे कैसे संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार। उस अंतिम संस्कार के लिए क्या, प्रेणाचार्य बहुत सारे वेदों का छानबीन करता है, वहां उसे कोई वेद नहीं मिलते हैं, तो उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि प्रेणाचार्य, गांव वाले यह छोड़ देते हैं कि इसका अंतिम संस्कार जो है वो प्रेणाचार्य समझे कि कैसे करना है, और वो वहां से चले जाते हैं गांव वाले। अब प्रेणाचार्य क्या करता है, वो हनुमान मंदिर से, मारुति को यहाँ पे कहा गया है, हनुमान मंदिर में जाता है, वहां पे भजन वजन करने लगता है। उसे यह समझ में नहीं आता है कि मैं ये क्या करूं उसको लेकर के, इस किस तरह से ये करूं। लेकिन अगले ही क्षण जब गांव वाले सुबह में जब आ जाते हैं, उसे पूछते हैं कि आपने कोई उपाय ढूंढा, तो कहता नहीं, मारुति ने तो कोई उत्तर नहीं दिया। यानी कि मैं रात भर तो यहाँ भजन उजन करता रहा, लेकिन जो हमारे ईश्वर हैं, जो हनुमान जी हैं, उन्होंने कुछ मार्ग नहीं बताया। तो इस घटना के बाद जो है प्रेणाचार्य सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे इन लोगों को मैं मनाऊं, कि मतलब इससे कैसे छुटकारा पाऊं, यह चाहता है। पहला शुरुआत में तो वही प्रेणाचार्य गांव में एक मिसाल के तौर पर कितना अच्छा आचरण है, इस तरह पे उसे दिखाया जाता है। दूसरे ही क्षण हम जब बात करते हैं तो प्रेणाचार्य को इस रूप में दिखाया जाता है कि वह कितना बड़ा ज्ञानी है, लेकिन दूसरा ही पक्ष यह दिखाया जाता है कैसे वो झूठ बोलता है। उसे रात भर कुछ उत्तर प्राप्त नहीं होता, और वो लोगों से झूठ बोलता है कि नहीं, रात भर तो मैं यहाँ था, पर मारुति ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर आगे चल के वही आग्रह वाले, यानी जो गांव वाले हैं, वो श्रीमठ जाने और सलाह पाने का निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम लोग श्रीमठ चलते हैं, वहां पे शायद कुछ उत्तर मिल जाए। तो श्रीमठ जो है सब संस्कार के लिए खड़ी चंद्री को कोई उत्तर न मिलने पर वो शेषनपा को संस्कार के लिए विनती करती है। शेषनपा यहाँ पे एक पात्र है, छोटा सा ही पात्र, कुछ समय के लिए आया है। उससे वो विनती किया जाता है गाँव वाले कि इसका अंतिम संस्कार आप कर दे। वह इनकार करने पर वो निवेदन करते हैं गांव वाले कि तुम इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो अहमद बिहारी अपने प्रति नारायणप्पा का उपकार स्मरण कर, अहमद बिहारी जो है यहाँ पे मित्र रहते हैं नारायणप्पा, नारायणप्पा जिस समय जीवित रहते हैं वो उनके लिए कुछ कार्य किए रहते हैं, इस वजह से उन्हें उनके ऊपर एक, अगर मैं कहूँ, बोझ रहता है उनके ऊपर कि उस समय एक समय था जब नारायणप्पा ने अहमद बिहारी की मदद की थी। इस वजह से अहमद बिहारी अपने प्रति नारायणप्पा का उपकार स्मरण करके उसके शव को अपनी गाड़ी में लाद कर ले जाना चाहता है। तब चंद्री इससे मुक्ति पाकर अपने गांव कुंदापुर चले जाती है। आग्रह वालों को उत्तर देने में वह असमर्थ, प्रेणाचार्य पत्नी की सेवा में भी एकाग्रत खो बैठता है। बीमार पत्नी भागीरथी को छोड़कर चंद्री के साथ गुजरे हुए कुछ ही क्षणों को याद कर उस जगह जाकर के वहां के जमीन आदि को सूंद कर तृप्ति का अनुभव करता है। श्रीमठ की ओर आग्रह वाले जाने लगते हैं। तो अग्रहर में प्लेग से मरने का विषय अग्रहर के गरीब ब्राह्मणों को पता ही नहीं लगता। यानी कि एक तरफ तो इस कहानी में, इस उपन्यास में बात करते हैं कि उसके सबको अंतिम संस्कार ले जाने की कार्य चलता है, वहीं दूसरी तरफ जो गांव रहता है वहां पे जो प्लेग है, प्लेग महामारी बहुत तेजी से फैलने लगती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि जो ब्राह्मण जो समाज है वो वहां पे जो दिखाया गया उसमें कुछ गरीब भी थे। तो उन्हें यह मुख्य रूप से जब रोग होना शुरू होता है बच्चों को, गांव के बच्चों को, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि गांव के बच्चों को क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो उनका हम लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव वाले जो गांव में जो कहीं पात लग गया, या इस वजह से बच्चे लोग मरना शुरू हो गए। प्रेणाचार्य जो भागीरथी का स्व संस्कार कर विचार शून्य होकर कुछ और न सूझने पर अग्रहर को न लौटकर पैर जिस ओर चले उस ओर भाव उन्मुख होकर चल पड़ता है। श्रीमठ में स्वामी जी से नारायण के स्व संस्कार की आज्ञा पाकर नारायणप्पा की चराचर संपत्ति को श्रीमठ को सौंप कर अग्रहर के सभी लोग दूरवास को लौट आते हैं। अग्रहर में प्राणेश्वरी को न देखकर और शव को न पाकर आग्रह वाले भयभीत हो जाते हैं। पूर्व विन्मुख होकर जाते समय प्रेणाचार्य अपने आप को आत्म विमर्शा में डुबो देते हैं। चंद्री से पाए नए अनुभव का सुख याद कर आगे बढ़ता है। चंद्री की वह याद और उसके संग जीने की इच्छा, नारायणप्पा जिस चीज को चाह कर जिया उसी
प्रकार आप भी बना, यह सब एकाएकी गठित होता है। यानी कि अब एक आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि जब हम शुरुआत करते हैं इस उपन्यास की, तो हमें मुख्य रूप से नारायणप्पा और प्रेणाचार्य जैसे पात्र देखने को मिलते हैं। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें चंद्री, भागीरथी, ये सब भी पक्ष आना शुरू हो जाते हैं, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं प्रेणाचार्य की, प्रेणाचार्य तो शुरुआत में आपने हमने देखा होगा, प्रेणाचार्य को भागीरथी कहती है कि तुम दूसरी विवाह क्यों नहीं कर लेते, तो कहता है नहीं, मैंने कसम खाया है कि मैं एक ही, मतलब प्रेम यानी कि मैंने एक ही से प्रेम किया, उसी का होकर के रहूंगा। एक ही से प्रेम यानी कि उसकी विवाह हो गई रहती है भागीरथी से। भागीरथी जो है वो बीमार रहती है, यानी कि उसकी दवा दारू को बहुत ज्यादा खर्च होते रहते हैं, वो बीमार हो जाती है। उसे ऐसा भागीरथी को अनुभव हो जाता है कि मैं ज्यादा दिन बचूंगी नहीं, मेरी मौत जल्द ही हो जाएगी, इसलिए वो चाहती है कि मेरी मौत से पहले तुम दूसरी विवाह कर लो, क्योंकि समाज में तुम्हें भी रहना, तुम अकेले कैसे रहोगे। लेकिन वो मना करता, बोलता नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा विवाह। लेकिन एक पात्र जो है इस उपन्यास के मुख्य पात्र, जिसे अब हम लोग आप और हम चर्चा करेंगे, चंद्री। चंद्री से उसकी मुख्य रूप से भेंट तब होती है जब रात भर उसे मंदिर में रहना पड़ता है, हनुमान मंदिर में। यह गांव वाले उसे यह छोड़ करके चले जाते हैं, तुम पता करो कि इसे कैसे, इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, नारायणप्पा का अंतिम संस्कार किस प्रकार से करना चाहिए इसका पता करो, उसके बाद कल हम लोग आएंगे तो कल हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे, तो हम लोग तुम ये पता करो, ईश्वर के आगे तुम पूछो, क्योंकि तुम ईश्वर के पूजन करते हो, ईश्वर को तुम बहुत मानते हो, ईश्वर तुम्हें बहुत ज्यादा मानते हैं, हो सकता है वो ईश्वर तुम्हें कोई उपाय सुझाए। तो इस उपाय में जब रात भर रहता है वहां पे, उसे दिमाग में आता है कि भागीरथी अकेली होगी, उसे दवा वगैरह भी देना है, इन सब चीजों में वो असमंजस में जब पड़ जाता है, तब उसकी मुलाकात वहां पे चंद्री से होती है। चंद्री के जिसमें वो प्रेम में वहां पे पड़ जाता है, और उसके और चंद्री के जिसमें बहुत कुछ घटित होता है, जिसको लेकर के उसे बाद में बहुत बुरा फील होता है। उसे लगता है कि मैं अपराध बोध, उसे अपराध बोध उसे महसूस होता है। इस कारण जब गांव वाले दूसरे गांव में पहुंचे हुए रहते हैं कि वो किस तरह से नारायणप्पा का अंतिम संस्कार कर, यह पता करने, तो वो गांव को त्याग करते, क्योंकि उसके मन में यह बुरा फील होता है। प्रेरणाचार्य को यह बुरा लगता है कि मैंने अपने जो पत्नी को प्रेम किया, या पत्नी से मैंने वादा किया था कि मैं उसी का होकर के रहूंगा, उसके बाद भी मैं यहाँ पे चंद्री का हो गया। तो यह जो है, यह जो बोध है, यह उसके मन में बहुत ही ठेस की तरह लगती है। इस वजह से वो क्या करता है, गांव छोड़ करके चला जाता है। और उसी समय जो गांव वाले जो दूसरे जगह पहुंचे हुए रहते हैं, स्वामी जी के साथ एक मठ में पहुंचे रहते हैं, जहाँ पे नारायणप्पा की संपत्ति दान कर दी जाती है, और वापिस जब वहां से आते हैं तो उस तरह उन्हें वो उसकी नारायणप्पा जो है, नारायणप्पा वहां पे तो उन्हें नहीं मिलता, नारायणप्पा की लाश उन्हें नहीं मिलती है। साथ ही साथ प्रेरणाचार्य जो है उस गांव छोड़ के चला जाता है। तो यह उस गांव वाले के मन में, अगर एक तरह से कहूँ, मन में ठेस पहुंचती है कि यह क्या हो गया। जब हम और आप बात करते हैं मुख्य रूप से कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पता करके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उस बीच में गांव के जो गरीब ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं, लोगों को लगता है कहीं पाप तो नहीं है। तो यह भी एक तरह से, यह जो पाप का जो गांव में जो प्लेग चलता है, तो प्रेणाचार्य को यह भी उसके मन में यह फील होता है कि कहीं मेरी वजह से मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, इस वजह से कहीं ब्राह्मण समाज के बच्चों को कुछ बीमारी हो गई है, इस वजह से उनका देहांत हो रहा है, यह भी ठेस उसके मन में रह जाती है, इस वजह से वो गांव छोड़ करके निकल जाता है। तो मुख्य रूप से जब आप संस्कार की बात करते हैं, तो संस्कार उपन्यास जो है एक सांस्कृतिक संघर्ष का उपन्यास है। सांस्कृतिक कहने का संदर्भ यह है कि जो समाज में जो संस्कार जो रहते हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे आव-भाव, क्योंकि मानव जीवन का एक है, मानव का नेचर है, उसके मन में प्रेम के साथ या संस्कार के साथ जो घृणा और द्वेष, किसी के प्रति राग हुआ, ये सब चीजें भी उत्पन्न होती है, मानव का एक नेचर है, मानव समाज का। तो उसीलिए जब हम संस्कार उपन्यास की बात करते हैं, संस्कार मुख्यतः एक सांस्कृतिक संघर्ष का उपन्यास है। उपन्यास का आरंभ जब, जैसा हम लोगों ने चर्चा की, आरंभ ही वस्तुतः सांस्कृतिक संघर्ष से होता है। जब आप और हम लोग अभी, जैसे हम लोगों ने चर्चा की, सांस्कृतिक संघर्ष यानी कि एक तरह संस्कार, एक तरह से गांव वालों का गांव, एक तरह गांव वाले के संस्कार, एक तरह जब हम बात करते हैं दुर्वासपुर में प्रेणाचार्य एक तरह संस्कार का रूप में, और नारायणप्पा एक तरह से जब हम बात करें तो वह संघर्ष के रूप में, मतलब दो चीजें इस उपन्यास में आपको आमने सामने दिखेंगी। एक तो हम लोग संस्कार देखते हैं, एक तरह संघर्ष देखते हैं। संस्कार कैसा, संस्कार हम लोगों के यहाँ पे दिखाई देता है प्रेणाचार्य के रूप में। प्रेणाचार्य संस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सारे नियम कानून का पालन करता है,
पूजा पाठ करता है। संघर्ष हमें इस रूप में दिखाई देता है, दूसरे ही पल में संघर्ष दिखाई देता है नारायणप्पा के द्वारा। नारायणप्पा ने जब तक वो जिया वो भोग विलास से जीता, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है। वह समाज के लोगों को गलत ठहराता है, बोलता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग जो भी पाखंड कर रहे हो, प्रवचन दे रहे हो। तो उपन्यास मुख्य रूप से संस्कृति संघर्ष से होता है। नारायणप्पा के मरने के कारण ही जो दुर्वासपुर में सांस्कृतिक संघर्ष आरंभ होता है वो अंत तक प्रेणाचार्य के वापस अपने गांव लौटने तक बना रहता है। नारायणप्पा के मृत्यु से ही समस्त दुर्वासपुर के ब्राह्मणों जिनका प्रतिनिधित्व प्रेणाचार्य करते हैं, ये जो गांव के जो प्रेणाचार्य मुख्य केंद्र बिंदु इस वजह से, क्योंकि गांव के जितने भी ब्राह्मण समाज थे उनका वह जो एक तरह से कहूँ प्रतिनिधित्व वह मुख्य रूप से प्रेरणाचार कहते हैं। यह चीज, यह जितनी भी चीज इस उपन्यास में लिखी गई है, यह मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं इस उपन्यास के उपन्यासकार के संदर्भ में, जब हम बात करते हैं जहाँ शुरू में हमने बात की कि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जो भी अनुभव किया था उसे वहां पर मुख्य रूप से रखने का प्रयास करते हैं। तो यही जब अनंत मूर्ति अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ये सब चीज देखते हैं कि समाज में ये सब चीज घटित होती है, जहाँ पे एक मनुष्य पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे गांव को प्रतिनिधित्व करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान के बदौलत नहीं, ना ही अपने धन के बदौलत, सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म से प्राप्त, याद रखिएगा मैं सब कह रहा हूँ, जन्म से प्राप्त अपनी एक जाति की वजह से पूरे के पूरे गाँव का प्रतिनिधित्व करता है। और उस प्रतिनिधित्व में वह झूठ बोलता है, वह एक शादीशुदा पुरुष होने के बाद भी वो शादी के उपरांत किसी और के साथ संबंध स्थापित करता है। हाँ भले इसका ठेस उसे होता है, इस वजह से वो गांव छोड़कर जाता है, बाद में वापस गांव लौट भी आता है, यह अलग चीज है। लेकिन अब जब हम इस उपन्यास में संस्कार और संघर्ष की बात करते हैं तो आपको एक समाज के द्वारा ये चीज देखने को मिला कि वह जो प्रेरणाचार्य, वह जो पंडित, वह जो पुरोहित प्रेरणाचार्य, वह इतने सारे अपराध करने के बाद भी गांव वापस लौटता है और गांव वाले उसे वही, क्योंकि उसके जन्म से वो पुरोहित है, जन्म से वो एक जाति का है, इसलिए उसकी सारी जो है वहां पर वो उसके लिए उसे कुछ ना तो दंड भोगना पड़ता है ना कुछ नहीं। लेकिन जब वहीं पे जब हम दूसरा देखते हैं नरपन जो है वह से देखते हैं, नरपन जो भोग विलास में रहता है, वह वैश्यालय में रहता है, वैश्याओं से उसके बहुत संबंध रहते हैं इन सारे, तो इस वजह से उसका जो है वो अपराध, अपराधी के तौर पर उसे देखा जाता है। उसके अंतिम संस्कार को लेकर के 2 से 3 दिन समय लग जाते हैं, कैसे इसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो इस उपन्यास की मुख्य बात करें तो इसकी कथा वस्तु इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इन कुछ एक पात्रों के इर्द गिर्द इस उपन्यास की कथा वस्तु घूमती है। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इस उपन्यास में बात करते हैं, इस उपन्यास के संदर्भ में बात करते हैं, पात्रों के संदर्भ में बात करते हैं, तो इस उपन्यास में मुख्य रूप से जो पात्र, जैसा आप पर हमने शुरुआत में पढ़ा इस उपन्यास के पात्रों के रूप में, इस उपन्यास में मुख्य रूप से जो पात्र रहे हैं वह पात्र भी संस्कार और संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं या आपको दिखाई देते हैं, घूमते दिखाई देते हैं। वह कहीं से अलग रूप में आपको दिखाई नहीं देते हैं इस उपन्यास में, जब आप पर हम बात करते हैं इस संस्कार उपन्यास में, वो कहीं अलग से नहीं दिखाई देते हैं, इस उपन्यास में ही वो संस्कार और संघर्ष के रूप में दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस उपन्यास में मुख्य रूप से, तो यह उपन्यास जो है आपके और हमारे समक्ष यह प्रश्न छोड़ता है, यह प्रश्न दर्शाता है कि समाज में एक तो जो स्थिति होती है वह होती है एक जन्म की स्थिति होती है, यानी कि जन्म से आप जिस परिवार जिस समाज में जन्म लेते हैं उसके वजह से आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है उस वजह से मान सम्मान आपको प्राप्त होता है। दूसरी एक आपके कर्मों से, आपके कर्मों से आपने जो कुछ भी प्राप्त किया, लेकिन उसमें संघर्ष ये आता है कि आपको आपके जन्म कुल आपके जाति प्रथा के ऊपर प्रश्न उठा करके आपको हमेशा ही पीछे ढकलने का कार्य किया जाता है। इसे मुख्य रूप से संघर्ष के नाम पे, संघर्ष के रूप में उस उपन्यास में प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है। तो यह कार्य जो है अनंत मूर्ति ने बहुत अच्छे, बहुत मार्मिक ढंग से, अगर मैं कहूँ बहुत ही मार्मिक ढंग से इस उपन्यास में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। साथ ही साथ इस उपन्यास में उस दौर का जो समाज था, पुरुष प्रधान समाज था, दूसरी चीज जाति प्रथा में विभाजित समाज था, अंधविश्वास, अंधविश्वास आपको देखने को मिलता ही है शुरुआत में कि इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, उसे एक गांव में लिया जाता है, गांव से फिर हनुमान मंदिर के पास लिया जाता है, फिर एक मठ के यहाँ लिया जाता है, मठाधीश की जब सारी संपत्ति जब उन्हें मिल जाती है उस मठाधीश को, नारायण अप्पा की संपत्ति, तो
वो मठ वाले कहते हैं हाँ ठीक है, हम अब इसके उतने संस्कार कर देंगे, उसमें कोई नहीं, पहले नहीं, लेकिन जब उसकी संपत्ति का उन्हें वो बात है, तो यह एक चीज। तो ये अलग अलग प्रकार के जो समाज के जिस स्तर पर बटे हुए, उसे दिखाने का एक, तरह से कहूँ रियलिज्म या रियलिटी के तौर पे समाज को दिखाने का जो प्रयास किया गया, उसी ने समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण, या एक शब्द में प्रस्तुत करूँ, बहुत ही जीवित एक उपन्यास के रूप में आपके और हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं इस उपन्यास में, हम बात करते हैं इस उपन्यास के पात्रों को लेकर के, तो उस उपन्यास के पात्रों में मुख्य रूप से आपको हमें सामाजिक दिखाई देता है। पात्र के रूप, पात्र तो बहुत है इस उपन्यास की, जब हम बात करते हैं सामाजिक चेतना देखने को मिलती है, जहाँ पे धर्म के आधार पर बटा हुआ समाज आपको देखने को मिलता है। जब नारायणप्पा कहता है कि तुम लोग अगर मुझे अपने समाज से निकालोगे तो मैं मुस्लिम समाज जो है उसे मैं अपना लूंगा, इसका भी डर रहता है। तो यह भी एक चीज आपको देखने को, आपको हमें देखने को मिलता है इस उपन्यास में। और इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों के प्रश्न, तो आप लोग लगातार, आप लोगों से अनुरोध है आप लोग लिखते रहिएगा। मुख्य रूप से इस पात्र के जो है, वह मैं कुछ एक जो प्रमुख चरित्र चित्रण है, पात्र हैं, उन पर चर्चा करूँ। उसके बाद आपके जो कुछ भी प्रश्न होंगे, द्वंद होंगे, उस पर और मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। तो जब पहली चर्चा इस उपन्यास के संदर्भ में मैं आपसे करूंगा, इस उपन्यास के पात्रों के संदर्भ में, प्रेणाचार्य नारायणप्पा का चारित्रिक द्वंद, जब आप और इस उपन्यास में मुख्य केंद्र बिंदु है प्रेणाचार्य और नारायणप्पा। तो त्याग और आत्मदान की इच्छा प्रेणाचार्य में बचपन से ही थी, त्याग और आत्मदान की इच्छा प्रेणाचार्य में बचपन से ही थी। इसे उन्होंने चुनौती के तौर पर स्वीकार किया था, और फिर समय के साथ उसके ही दास बन गए। निष्काम कर्म और अवधारणा से निष्पाप होने के बाद भी वह मुक्ति के कामी थे, और उसके लिए शयास चेष्टा करते थे। यही कारण है कि उन्होंने जानते बूझते हुए भी जन्म से पंगु और बीमार स्त्री के साथ शादी कर ली थी। उसका मानना था कि मुक्ति मार्ग के पथिक को ब्राह्मण का जन्म देखकर भगवान ने उसकी परीक्षा के लिए शायद संसार चक्र में भेजा है। यह प्रेणाचार्य का चरित्र था, वह यह मानते थे, इस वजह से वो विवाह करते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं, भागीरथी उनके लिए पत्नी ना होकर किसी पारस पत्थर के समान थी, जिस पर कसकर वह अपने व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते थे। उनका मानना था कि निष्काम कर्मों के द्वारा निरासक्त रहते हुए जीवन निर्वाह की क्षमता जो है वो सब में नहीं होती, वो मानव जो ईश्वर है वो जिसकी परीक्षा लेता है उसी पे इतनी सारी जो मुसीबत देता है। तो एक तरह से तो वो निष्काम था, वो अलग चीज है, लेकिन उसके पीछे वो एक भागीरथी से विवाह करता है। उसके दिमाग में यह भी एक रहता है कि मैं इसलिए इस कारण शादी कर रहा हूँ कि ईश्वर मेरा परीक्षा ले रहा है, इस परीक्षा में मुझे पास करना है। तो यह भी उसके एक स्वार्थ का, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से निस्वार्थ था, यह उसके स्वार्थ का ही एक पहलू है, क्योंकि उसने विवाह तो किया भागीरथी से, लेकिन उसके दिमाग में, उसकी मनोस्थिति में यह थी कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, इस वजह से जो है मैं भागीरथी से विवाह करूंगा। भागीरथी जो है वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, चाहे शारीरिक रूप से हो वो सक्षम नहीं है, फिर भी मैं उसका भार उठा रहा हूँ, उसे पत्नी का दर्जा दे रहा हूँ, ईश्वर मुझसे बहुत खुश होंगे, मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये चीज उसके मन में आती है। तो यह भी कहीं ना कहीं समाज में आपके एक दूसरे सिक्के का, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत सेवा करता है, वो ईश्वर के प्रति लीन है, वो तो एक पहलू है, जिससे हम लोग पॉजिटिव सकारात्मक पहलू, उससे नकारात्मक पहलू से स्वार्थ नजर आता है, उसके पीछे भी उसके स्वार्थ है, अच्छा कि ईश्वर ने ऐसा ही चाहा है मैं ईश्वर की परीक्षा में पास हूँ, एक तरह से यह विश्वास देखने को मिलता है। लेकिन जब हम नारायणप्पा की बात करते हैं, तो नारायणप्पा जो है वह इस उपन्यास में मुख्य रूप से भोग विलास करने वाला है, उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, किसी प्रकार की हानि नहीं है, वह आज जीने वाला है, उसे यह पसंद है, उसे मांस खाना, उसे शराब पीना पसंद है, तो वो उसी में लीन रहता है, वो कभी यह नहीं सोचता कि समाज मुझे क्या कहेगा। समाज जब उसे कुछ कहने का प्रयत्न करता है, तो समाज से वो प्रश्न उठाता है, और प्रश्न जो है हर प्रश्न से गलत नहीं होते हैं, कुछ प्रश्न उसे सही भी होते हैं, लेकिन सामाजिक लाज लज्जा के कारण जो समाज है वो सत्य से पीछे भागता है, चुप रहता है, उसके समक्ष उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। तो यह जो मुख्य रूप से दो उसके चरित्र हैं, उनमें दो मुख्य रूप से यह भिन्नताएं रही है। चरित्र चित्रण की मैं बात करूं, तो इसके इतर इस उपन्यास की अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं, तो उपन्यास जो है ये आजादी से पहले के धरातल पर लिखी गई है, तो इसमें मुख्य रूप से आपको पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलता है,
आपको अगर मैं बात करूं तो समाज में फैली बीमारियां अंधविश्वास आपको नजर आती है, जहाँ प्लेग बीमारी होती है उसे अलग नजरिए से देखा जाता है, अंधविश्वास देखने को मिलता है। समाज में दो जातियों का जो हमेशा से चलता रहा है इस समाज में, हिंदू मुस्लिम को लेकर के आपको इसमें हल्की फुल्की कहीं ना कहीं हर पन्ने में, हर एक आध अध्याय में आपको देखने को मिल जाएगी, एक द्वंद्व की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो यह इस उपन्यास में कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस उपन्यास में नारायणप्पा के इतर भी, जब इस उपन्यास में हम और बात करते हैं नारायणप्पा की और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र, नाम मैं भूल रहा हूँ, इस उपन्यास के नारायणप्पा और एक प्रमुख पात्र प्रेणाचार्य, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेणाचार्य नारायणप्पा के इतर इस उपन्यास के जो मुख्य बिंदु हैं, इन मुख्य बिंदु में ये सब चीजें भी देखने को मिलती है, जाति प्रथा, पुरुष प्रधान समाज, समाज में फैली अंधविश्वास, अंधविश्वास के कारण बहुत से बच्चों की मौत होती है, प्लेग बीमारी जब फैलती है, तो यह उस उपन्यास के इर्द गिर्द के कुछ प्रमुख और देखने को आपको मिल जाते हैं। तो और तो कोई इस उपन्यास का मुख्य, अगर मैं कहूँ, मुद्दों के तौर पर देखने को नहीं मिलता है। तो इसके इतर अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं आप विद्यार्थियों से पूर्ण अनुरोध करूँगा कि अपने प्रश्न लगातार पूछे, और आपके जो कुछ विद्यार्थी मुझे देखने को मिल रहे हैं, कोई प्रश्न, एक सेकंड चैट बॉक्स में शायद कुछ नहीं, आप विद्यार्थियों से आपसे अनुरोध है कि इस उपन्यास से संबंधित आपके अगर कुछ भी प्रश्न हो तो प्रश्न रखने का प्रयास करें, आपके कुछ बात कहनी हो, कुछ ना समझ में आया तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, अब मैं आप विद्यार्थियों से अनुरोध करूँ कि आपके जो कुछ भी प्रश्न है वो आप प्रश्न मुझ तक पूछ सकते हैं, इस चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। असित जी, संजय कुमार सेठी, लक्ष्मी प्रिया मिश्रा, स्नेहा मलिक, आप लोग जुड़े हुए हैं। आप विद्यार्थियों से पुनः एक बार निवेदन है कि अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई प्रश्न नहीं है, चलिए अच्छी बात है। चलिए विद्यार्थियों, अगर आपके कोई प्रश्न नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कि मेरा पढ़ाना समझाना आप लोगों के लिए सार्थक हुआ होगा। अगर नहीं, आप इसके बाद भी अगर आपके कुछ प्रश्न आपको लगे कि है तो आप निश्चित तौर पर मुझसे संपर्क करके अपने प्रश्न रख सकते हैं, कभी भी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमेशा, और आपके चैट बॉक्स में देखिएगा एक फॉर्म एक आया हुआ है फिलअप करने के लिए, तो आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, ताकि उससे हमें समझ में आता है कि हमारा पढ़ाना आप लोगों के लिए सार्थक है या नहीं है, ये हमारे समझ में आता है। स्नेहा मलि जी, सर आप शायद ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं स्नेहा जी, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जो हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उससे आपको जोड़ सके। अच्छा, आप जुड़ी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपको अपने प्रश्न कभी हो तो ग्रुप के माध्यम से आप लिख करके अपने प्रश्न जो है पहुंचा सकती हैं। तो इसी के साथ मैं इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं, और आप सब उसको पुनः एक बार धन्यवाद, आज के हमारे तकनीकी सहायक थे डॉक्टर देवाशीष सर, देवाशीष बारिक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लक्ष्मी प्रिया मिश्रा जी, असित जी, संजय कुमार सेठी जी, स्नेहा माली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि निरंतर इस तरह कक्षाएं में आइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन आगामी समय में आपकी परीक्षाएं वगैरह होंगी, तो उसके लिए भी पढ़ते रहिए, पढ़ाई से दूर ना भागिए, और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को, यह कक्षा यहीं समाप्त होती है, बहुत बहुत धन्यवाद।